हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री की आज लिस्टिंग डेट थी, बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। इसकी जितनी जीएमपी चल रही थी उसके जीएमपी का जो प्राइस चल रहा था लिस्टिंग टाइम से पहले, इसकी जीएमपी देखें तो 9:27 का, 9:29 का ये जो टाइम दिया हुआ है, इस टाइम में इसकी जीएमपी 150 रुपये थी और जो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करी थी 454 पर ट्रेड करी थी। लेकिन अचानक से इसकी जो लिस्टिंग हुई है लिस्टिंग टाइम पर, लिस्टिंग समय पर इसकी जीएमपी में बहुत ही शानदार उछाल देखने के लिए मिला और बहुत ही जबरदस्त लिस्टिंग हुई। 454 पर ट्रेड कर रही थी ये 9:29 पर, जो कि 49.34% की बेनिफिट दे रही थी। लेकिन लिस्टिंग समय पर इसकी जीएमपी में और ज्यादा उछाल देखने के लिए मिला और लिस्टिंग बहुत ही जबरदस्त का हुआ है। 501 पर इसकी लिस्टिंग हुई, बहुत ही शानदार, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इसकी लिस्टिंग हुई है। ये जो बेनिफिट दिया है, इसकी कट ऑफ प्राइस 304 रुपये थी, लिस्टिंग 501 रुपये पर हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट दिया है पर शेयर 197 रुपये का प्रॉफिट दिया है, लगभग 64.80% का बेनिफिट दिया है, तो लगभग 64-65% का बेनिफिट दिया है। बहुत अच्छा प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है, शानदार। जिन्होंने इसका अलॉटमेंट पाया होगा बहुत ही जबरदस्त की रिटर्न मिली होगी। अभी लोगों के मन में सवाल होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर लिस्टिंग गेन लेकर के ही आउट हो जाना चाहिए, या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से इसमें इन्वेस्ट किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें क्या हमें देखना चाहिए, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है और हम लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकती है। सारे पॉइंट्स अगर इसके फेवर में भी हैं तो कुछ भी अगर न्यूज हुआ तो इसमें धड़ाधड़ गिरावट आने की चांस है, जैसा कि आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला। कल टाटा टेक्नोलॉजीज में जो लिस्टिंग हुई थी बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई थी, 140% की बेनिफिट देने के बाद उसमें लगातार उछाल देखने के लिए मिला। इसमें उछाल देखने के लिए नहीं मिला, इसमें लगातार प्रॉफिट हुई, लगभग लिस्टिंग गेन के बाद इसमें लगभग 10% का यहाँ पर गिरावट भी देखने के लिए मिला और लोअर सर्किट भी लगाया। तभी लोगों के मन में सवाल होगा कि कहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें। अभी हम लोग इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी बहुत ही अच्छा है, ये देखें तो लगातार प्रॉफिट जनरेट की है। इस साल की सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ये 32.14 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट की है और फर्स्ट क्वार्टरली में 118.10 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट की है। बहुत ही शानदार इसने प्रॉफिट जनरेट की है और ये लगातार प्रॉफिटेबल है, अपने प्रॉफिट, इसके प्रॉफिट में लगातार वृद्धि देखने के लिए मिली है। हालांकि 2021 में इसमें थोड़ा सा 1 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसके प्रॉफिट में लगातार वृद्धि देखने के लिए मिली है। अच्छा नेटवर्थ इसने जनरेट किया है, एसेट में भी लगातार वृद्धि देखने के लिए मिला है, रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा जनरेट की है। तो एक कंपनी बहुत ही शानदार का इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसकी पीई मान 23.36 है और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ इसके पास जो है 31.17% का रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है। इसी फील्ड की कंपनियां हैं लिंक लिमिटेड और को यूको कामलिन लिमिटेड, सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ, जो कि पहले ही कुछ दिन पहले ही इसकी लिस्टिंग हुई है, बहुत ही जबरदस्त की इसकी भी लिस्टिंग हुई थी, बहुत ही शानदार इसकी भी लिस्टिंग देखने के लिए मिला था। इसी फील्ड के फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड है, जो कि इसमें भी बहुत ही शानदार हम लोग को रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। लिस्टिंग गेन पर ही बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, इसी फील्ड की कंपनी है, इसके कंपटीटर है और इसी तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अच्छा है, इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला था, 49.28 times की इसकी सब्सक्रिप्शन हुआ था। सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल की कैटेगरी भरी थी, रिटेल कैटेगरी 13.73 times भरा था, तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा गया था, क्योंकि एक कंपनी जो काम करती है बहुत ही शानदार काम करती है। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ लिमिटेड जो है कंपनी, समग्र लेखन उपकरण उद्योग में शीर्ष 3 जो बहुत ही फैंटास्टिक 3 कंपनियां हैं उसमें से एक है और ये जो प्रॉफिट इसकी जो बाजार में मौजूदगी है 9% की यही हिस्सेदारी रखती है। इस फील्ड की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें इसकी जो वर्चस्व है वो 9% की है। ये बहुत ही इसके प्रमुख 3 ब्रांड है, फ्लेयर ब्रांड और इसकी एक और भी ब्रांड है, एक जुक्स
जुक्स ब्रांड इसी कंपनी का है, पीरे कार्डिन इसी का ब्रांड है। तो मुख्य इसके ब्रांड है, कुछ सहायक कंपनियां भी है, FWUPL कंपनी है जो इसकी सहायक कंपनियां है, जो कैसोरोल बोतले भंडारण कंटेनर सर्विंग समाधान सफाई समाधान और टोकरी कागज के डिब्बे सहित घरेलू उत्पादों का निर्माण करता है। इसके एक और सहायक कंपनियां है FWIL जो कि भारत के कई ब्रांडों का निर्माण और वितरण करता है। और ये जो कंपनी है मुख्य रूप से जो पेन बनाने का काम करता है, पेन बनाती है, पेंसिल बनाती है, कटर बनाती है, और जो अस्टोमन होती है जो स्टूडेंटों के उपयोग के लिए स्टेशनरी उत्पाद बनाती है, मैकेनिकल पेंसिल हाइलाइटर सुधार पेन मार्कर जेल क्रोन और इत्यादि ये सारी चीजें बनाती हैं। अब ये जो सेलो कंपनी थी वो मोल्डेड फर्नीचर बनाती थी, ये भी बोतल वगैरह बनाती है। तो एक कंपनी जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार इसकी प्रोडक्ट है, इसकी विदेशों में भी मौजूदगी है, ये विश्व स्तर पर कारोबार करता है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, आने वाले समय में इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है। लिस्ट पर ही बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, ये भी पैसा हमारा डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, क्षमता है इसके पास क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसके उत्पाद विश्व स्तर पर फैले हुए, बहुत ही शानदार का ये उत्पाद बनाती है। इसके उत्पाद जो है काफी डिमांडेबल है, हर तरह के ये यूज किए जाने वाले जो स्टूडेंट को मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं या फिर ऑफिस वगैरह में यूज किए जाने वाली ये प्रोडक्ट बनाती है, डिब्बा बनाती है और ये बोतल भी बनाती है, स्टील का बोतल बनाती है जो कि मुख्य रूप से बहुत ही इसकी जो वैश्विक स्तर पर व्यापार फैला हुआ है। तो इसकी जो कामकाज है बहुत ही शानदार कामकाज है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है, इसकी GMP भी बहुत ही शानदार थी लेकिन लिस्टिंग इसकी बहुत ही जबरदस्त का देखने के लिए मिला है। तो इसके हिसाब से इसका जो बिजनेस प्लान है और इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमें इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करनी चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से इसमें प्लान किए उन्हें अभी मन में सवाल होगा कि हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ पे होनी चाहिए। इसकी लिस्टिंग 501 पर हुई है जो कि 64% का बेनिफिट दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ जो हमारे पास जो क्वांटिटी है उसमें 50% क्वांटिटी को आउट कर लेना चाहिए, 50-60% क्वांटिटी आउट कर लेनी चाहिए और 40% क्वांटिटी हम लोग को होल्ड करनी चाहिए और जो लिस्टिंग गेन मिला है उससे 25% नीचे या 20% नीचे हम लोग जाकर के स्टॉप लॉस लगा करके इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस प्राइस होना चाहिए, हम लोग का स्टॉप लॉस प्राइस जो होना चाहिए 425 का स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए, 425 से लेकर के 427 का हम लोग का स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए, ये बेहतर है। 425 से लेकर के 427 का प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस हमारे लिए बेहतर है, 25% लगभग नीचे जाकर के हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। कुछ क्वांटिटी तो यहाँ पर ही लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये 10% जो डाउन साइड में मूव किया है सेलर नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी लिस्टिंग पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बायर्स मिले या ना मिले सेल करने के लिए, तो यहाँ पर ये सेलर नहीं है, ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने के लिए मिला है, और भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो जो लोग लिस्टिंग गिनने करके यहाँ पर आउट हो चुके हैं उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो अभी होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है कि यहाँ पर 50% क्वांटिटी निकाल दें, 50-60% क्वांटिटी निकाल दें और 40-50% क्वांटिटी होल्ड करें 425-427 के बीच में स्टॉप लॉस लगा करके। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर फुल क्वांटिटी हमारा आउट हो जाएगा, अगर इसको होल्ड करती है और अपर साइड में निकलती है तो फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, भी यहाँ पर हमें 80-90% के भी बेनिफिट देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि कंपनी का जो व्यापार है बिजनेस है वो बहुत ही शानदार बिजनेस है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है, लगता है प्रॉफिट जनरेट की है, तो ये अपने निवेशकों को भी अच्छा रिटर्न अपना करके दे सकती है। आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए एंड IPO से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।